नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज। कानपुर के आम आदमी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने मलिन बस्ती भगवंत दास घाट में शराब के ठेके के बाहर जिला अध्यक्ष उमेश यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने धरना व प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों में रहने वाले युवा आए दिन नशे के शिकार व आदि हो चुके हैं और कम उम्र के लोग मौत को अपने गले लगा रहे हैं। उधर नगर निगम के मुख्य अभियंता के निर्देश एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी नाले की सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण मलिन बस्तियों की समस्या जस की तस बनी हुई है। बरसात के मौसम ने दस्तक दे दी है, जगह जगह भीषण गंदगी होने के कारण जल भराव रहता है। साथ ही नालियों में भरी भीषण गंदगी के कारण कई बीमारियों का भी क्षेत्रवासियों को सामना करना पड़ता है। धरने में मुख्य रूप से उमेश यादव, शैलेंद्र सिंह परिहार, अनिल शुक्ला, मदन लाल भाटिया, मंगल संजीव, दीप मोहित, डीएन पाल, वसीम रवि समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपा। शराब का ठेका हटाने की मांग, मलिन बस्तियों के अधूरे पड़े काम, मालिकाना हक देने। मलिन बस्तियों में भगवत दास घाट पर पोल लगाकर एलईडी लाइटें लगवाने, खुले नाले पर स्लेब डलवाने, नाले की सफाई करवाने, खड़ंजा पानी की लाइन बिछाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। मेरा नाम उमेश यादव, मैं आम आदमी पार्टी कानपुर नगर का जिला अध्यक्ष हूँ। किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया, क्या मांगे हैं आपकी? यहाँ पे हमारी कमेटी के तमाम सारे पदाधिकारी मौजूद है, महासचिव शैलेंद्र परिहार जी हैं, मेरा सिद्दीकी जी हैं, रमेश सिंघवानी जी हैं, हमारे नौजवान साथी आबिद भाई हैं, संजीव निगम जी हैं, साजिद भाई हैं, मकबूल भाई हैं, प्रशांत शुक्ला जी हैं। तो ये सारे साथी जो हमारे हैं यहाँ पर नगर कमेटी के लोग, यहाँ की जो समस्याएं हैं, एक असली समस्या क्या है कि मंदिर के सामने ठेका, इस ठेके का प्रभाव ये है, एक तो भगवान की गरिमा को ठेस लग रही है, भक्त हैं वो आहत हो रहे हैं इस चीज़ से। दूसरी चीज़, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, बस्ती में ठेका होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे शराब के लती हो रहे हैं और शराब पी के उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर नालियाँ खुली हुई हैं, रोज हादसे होते रहते हैं, कभी बच्चा गिर जाता है, कभी किसी की साइकिल गिर जाती है। और नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान मिशन चला के लाखों करोड़ों रुपया अपने व्यापारी मित्रों को बांट देते हैं, और आप पत्रकार बंधु हैं, आपने पूरे शहर की हालत मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन में, जबकि यहाँ पे सांसद भी इनका, विधायक सारे इनके, पार्षद इनका, मेयर भी इनका, लेकिन कानपुर में जो गंदगी का आलम है, तो या इस बस्ती में भी जो गंदगी है, जो कूड़े के अंबार हैं, खुली नालियां हैं, शराब का ठेका है, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और ठेके को हटवाएंगे, यहाँ की नालियों को ठीक कराएंगे, यहाँ का कूड़ा साफ कराएंगे। और जब तक प्रशासन हमारी बात को नहीं मानेगा, हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। मलिन बस्ती तोड़ने के लिए आज जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के राज में गरीबों का हाल नाली में रेंगने वाले कीड़ों के अलावा कुछ नहीं। वो यही समझते हैं कि नाली में रेंगने वाले कीड़े मलिन बस्तियां साफ करके सरकार को जमीनों को बेच के अपने खजाने में जमा करना और उसकी बंदरबांट करनी। तो हम लोग मलिन बस्ती को भी नहीं टूटने देंगे, हम लोग इसके लिए भी संघर्ष करेंगे और पूरे लड़ाई लड़ेंगे इसकी। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी होंगी तो